इस पर मेरी शक्ति का असर क्यों नहीं हो रहा है? ये लीजिए। क्या प्रतीक के पापा? अभी अभी निहार बिजनेस ट्रिप से लौटा है और आज सुबह सुबह ही उसे आपने बिजनेस मीटिंग के लिए भेज दिया। जवान लड़का है पूनम, इस उम्र में काम नहीं करेगा तो कब करेगा? रुचिता, 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 क्या हुआ देवी? इतने में ही रुक गई? कर, अरे और बार कर, हमारी जान ले ले, हमें कुछ नहीं होगा। हमारा वार विफल करने वाली, आज तू कुछ भी कर ले, हमें नहीं हरा पाएगी तू। क्या किया है तूने? बोल, कौन से छल की है? बोल, दबा गला और जोर से दबा, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये क्या हो रहा है इसे? क्या हो रहा है इसे? ये जितना बार मुझ पे करेगी, उसका असर हम पर नहीं बल्कि उसका सीधा असर तेरे भक्त के पति निहार पर होगा। तो जितना कष्ट मुझे देगी, उसका दर्द उसके शरीर को होगा। चूका जहर हमने निहार को दिया है, वो अंदर ही अंदर ऐसा जहर फैला रहा है कि निहार की मौत उससे निश्चित है, और निहार के मरते ही तेरी भक्त जीवित भी बच गई तो उसकी दोबारा मौत हो जाएगी। हम तेरे इसी रूप का इंतजार कर रहे थे और आज हमने तुझे तेरे असली रूप पे आने पर मजबूर कर ही दिया। इतने यज्ञ किए, पूजा अर्चना की, लेकिन तब भी तूने दर्शन नहीं दिए, और आज इस मामूली इंसान को बचाने के लिए तू साक्षात प्रकट हो रही है। पर इसका कोई फायदा नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तू अपनी शक्तियां हमें दे दे और हम इन्हें जीवन दान दे देंगे। तू हमें भगवान बना दे, हम इनका
का कल्याण कर देंगे। अरे माँ अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी बलिदान दे देती है, और तू तू तो जगत जननी है, इतना तो कर ही सकती है, क्यों? तो कर फैसला, एक तरफ तेरे भक्तों की जान और दूसरी तरफ तेरी शक्तियां। बोल देवी, क्या निर्णय किया है तूने? अपने भक्तों को जीवन देकर अपनी शक्तियों का बलिदान करेगी, या इन्हें मौत देकर अपनी शक्तियों की रक्षा करेगी? बोल देवी बोल। तेरे भक्तों के जीवन की बात है और तुम निर्णय लेने में इतना संकोच कर रही? हाँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। दुष्ट, तेरे बहकावे में आकर मैं अपनी शक्तियां किसी भी गलत हाथों में नहीं दे सकती। तेरी प्रवृत्ति छल की है, अगर आज मैंने अपनी शक्तियां तुझे दे भी दी, तब भी तू किसी को छोड़ेगा नहीं। और मैंने अपने भक्त से वादा किया कि मैं उसके परिवार और उसके पति की रक्षा करूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं रुचिता का शरीर तेरे पास छोड़कर जा रही हूं, और तुझे अपनी शक्तियां बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तू जगत जननी होकर भी अपने दो भक्तों को नहीं बचा पा रही है, जगत को क्या खाक बचाएगी? अरे मूर्ख है वो भक्त जो तुझे पूछते हैं, जबकि तुझे अपनी शक्ति अपने भक्तों से अधिक प्रिय है। मेरी शक्तियों को धारण करने के लिए अटूट श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, जो तुझ जैसे धूर्त और कपटी शैतान में नहीं, वो श्रद्धा और भक्ति प्रेम रुचिता जैसे भक्तों में हो, तुझ जैसे पापियों में नहीं। एक फैसला तूने लिया है देवी, अब एक फैसला हम लेंगे जिससे तू बहुत पछताएगी देवी।